बोला है जो आप तो सरेंडर होने वाले बच्चे भी आपके सूर्यवंशी बच्चे उत्तर सूर्यवंशी बच्चे भी और जो आपके पास सरेंडर हुए हैं तो वो भी उत्तर सूर्यवंशी बच्चे हैं। सरेंडर कागज पे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल में भी आज से अंत तक सर अंडर करके चलते हैं, है? अगर सिर्फ कागज पर हुए और प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाता है कि वाचा से भी विरोध करते हैं, दृष्टि से भी लाल पीली आंखें कर लेते हैं, कर्मेंद्रियों से भी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हैं, तो सरेंडर कहे जावेंगे, फिर सूर्यवंशी कहे जावेंगे। इसलिए नंबरवार हैं, धारणाएं नंबरवार हैं, तो धर्म भी नंबरवार हैं। और नंबरवार पुरुषार्थ के कारण ही और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से। रिहर्सल यहां हो रही है। जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं उनको बाप याद करते हैं। जिनको बाप याद करता है उनकी याद की शक्ति बाप की शक्ति से जब मिल जाती है तो ज्यादा पावरफुल याद होगी या कम पावरफुल याद होगी? सर्विसेबल बच्चे मनन चिंतन मंथन करने में तीखे हो जाते हैं। उनको कहेंगे भारत, भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाली बुद्धि है। पक्के पक्के भारतवासी तो वो ही है जिनकी स्वार्थ में बुद्धि नहीं लगती। रथ के भरे भरण पोषण में बुद्धि नहीं लगती, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगती है। नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगती है, दूसरी आत्माओं के कल्याण में बुद्धि लगती है। तो उनको याद नहीं आवेगी और ही तीखी याद हो जाती है। आत्मा जब शरीर से डिटैच अनुभव करेगी तो शरीर के बंधन में रहेगी या निर्बंधन हो जाएगी? है, अभी तो इंद्रियों का बंधन है। इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अपने भोगों की तरफ। फिर जब आत्मा डिटैच हो जाएगी तो ये इंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकेंगी। भोगों से बुद्धि अनासक्त हो जाएगी, आत्मा स्वतंत्र अनुभव करेगी। ऐसी स्वतंत्र आत्मा औरों में प्रवेश करके उनके द्वारा मनमाना कार्य करा सकेगी। अपना शरीर है लेकिन वो शरीर से आत्मा डिटैच हो चुकी, जब चाहे शरीर धारण करे, न चाहे शरीर धारण
न करे, जैसे स्वप्न में जब रात को सोते हैं सपना देखते हैं तो कहां कहां विचरण करते रहते हैं। क्या शरीर निर्जीव हो जाता है? नहीं। ऐसे ही आत्मा डिटैच अनुभव करेगी। डिटैच हुई आत्मा कमजोर में प्रवेश करेगी और उनको अपने तरीके से चला देगी। जैसे भूत प्रेत होते हैं, सब में प्रवेश नहीं करते, अपने से पावरफुल आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनसे जो कमजोर आत्माएं होती हैं उन्हीं में प्रवेश करते हैं। परंतु वो तो भूत प्रेत आत्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं, अचानक शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं, अकाले मौत पाने वाली आत्माएं हैं, उनमें और पुरुषार्थ करके शरीर से डिटैच होने वाली आत्माओं में जमीन आसमान का अंतर है। वो आत्माएं अकल्याण भी करती है, भूत प्रेत आत्माएं, जो स्वयं शरीर से डिटैच होने वाली आत्माएं हैं वो कोई का अकल्याण नहीं करेंगी, कल्याण का ही कार्य करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, माने मन चंचल ना बने, मन एकाग्र हो जाए, उसे कहते हैं अमन। मन के सहयोग के बगैर इंद्रियां सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकती। तो मन कंट्रोल में कहेंगे? कर्म भी करना है, माने निराकारी स्टेज में नहीं रहना है। हाँ, वो निराकारी स्टेज में रहते हुए जो कर्म किए जावेंगे वो अकर्म हो जावेंगे। किया किया न किया, जिसे कहते हैं देखते हुए न देखना। हाँ जी, लगाव नहीं होगा, जैसे देवताएं भी कर्म करेंगे सतयुग में, परंतु उनका कर्म अकर्म नहीं, अकर्म बनता है, विकर्म नहीं बनता है और पुण्य कर्म भी नहीं बनता है। और जो अभी बोल रहे हैं वही तो कर्मातीत अवस्था है, देवताओं की कर्मातीत अवस्था है, कर्म करते हैं, बंसी बजाते हैं, खेल खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, संगीत करते हैं, डांस करते हैं, कर्म तो करते हैं ना, लेकिन कर्मातीत अवस्था कहेंगे। और ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है,
और जो ब्रह्मा की औलाद हैं वो दो प्रकार के हैं, एक मुखवंशावली और एक कुखवंशावली। दुनिया में जो मनुष्य होते हैं उनको कुखवंशावली कहेंगे या मुखवंशावली कहेंगे? सारी दुनिया ही कुखवंशावली है, और ब्राह्मण भी अगर कुखवंशावली हो तो उनको रूहानी बाप की औलाद कहेंगे क्या? नहीं, रूहानी बाप की औलाद तब ही कहेंगे जब रूहानी बाप ब्रह्मा के तन में जो भी बोले मुख से, उस मुख की बात को मानने, जानने और चलने वाले हों, तो रूहानी है, तो सच्चे ब्राह्मण है। नहीं तो दुनिया में जैसे ब्राह्मण होते हैं कुखवंशावली, वैसे यहाँ भी कुखवंशावली ब्राह्मण हो गए, उनको रूहानी थोड़े ही कहेंगे। तो बाबा की याद थोड़ी कहेंगे, बाबा का अर्थ ही बता दिया। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा का क्लेरिफिकेशन बताया हुआ। क्या क्लेरिफिकेशन बताया? बाबा किसे कहा जाता है? साकार शरीर और निराकार आत्मा, दोनों का मेल है याद, तो बाबा है, बाबा की याद है। साकार चेहरा याद है लेकिन बिंदी याद नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। जो अपन को बिंदी की स्टेज में धारण करेगा वो ही बाप को याद कर सकता है। स्वयं बिंदु नहीं बना है, स्वयं आत्म की स्थिति नहीं है, तो बाप याद नहीं आ सकता। माने जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हैं, तीव्रता से पुरुषार्थ करते हैं, या ज्ञानी तू आत्माएं हैं, प्योरिटी की बात की गहराई को ज्यादा समझा हुआ है, तो जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो टॉप मोस्ट का पुरुषार्थ करेंगी या बुद्धों जैसा पुरुषार्थ करेंगी? तो टॉप का पुरुषार्थ करेंगी, तो माया भी, वो भी तो ग्रह है ना, वो भी तो ज्ञान जल में ही रहती है ना, तो वो भी ताप में बिघन डालती है। और पांच फंड योग बल से पैदा नहीं हुए थे? भोग बल से पैदा हुए थे क्या? वो भी तो योग बल से ही पैदा हुए हैं। हाँ, जो कर्ण है वो कौंतेय तो था, कुंती पुत्र तो था, लेकिन गुप्त पुत्र था। उसके बारे में सिर्फ कुंती जानती थी और कोई को पता नहीं था। और जैसे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बीके और पीबीके हैं,
तो जो बी के अपने को कहलाते हैं वो ही हालात करण की थी। कैसी? उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन हैं, असली माँ कौन थी, बाप कौन था। ब्रह्मा बाबा को कहें, ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा को अपने बाप और माता का पता था है? था या नहीं था है? है? नहीं था। तो माँ का भी पता नहीं और बाप का भी पता नहीं, तो नामकरण रखा गया। करण माने कान, ज्ञान को सुनता बहुत था, कानों से सुनने में एक्सपर्ट था और दूसरों के कान में सुनाने में भी एक्सपर्ट था, इसलिए शास्त्र में उसका नाम काम के आधार पर करण रख दिया गया। उसकी पालना किसने की थी? उसकी पालना राज परिवार में राजाओं ने की थी, राजा रानी ने पालना की थी या कोई दास दासी ने की थी? कौन से वो दास दासी है? अरे वो तो शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन शास्त्रों में जो बातें उठाई गई हैं वो कहाँ से उठाई गई हैं? हाँ तो वो कौन थे दास दासी है? वो तो होते हैं दास दासी, सामान्य बात हो गई, लेकिन जो पूछा जा रहा है वो पर्सनल बात पूछी जा रही है या सामान्य बात पूछी जा रही है? कौन थे दास दासी? वही दास दासी थे जिनके लिए बोला राम फेल हो गया, तो फेल हो गया, तो फेल होने वाला क्या बनेगा है? दास दासी बनता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। उनकी अपनी दृष्टि में, अपने जीवन में उन्होंने स्त्री के साथ रह करके विषय विकारों पर जीत पाई नहीं पाई? तो आदमी जो स्वार्थी होता है वो परचिंतन ज्यादा करता है या स्वचिंतन करता है? परचिंतन करता है। तो स्त्री के अवगुणों को देखा और अपने अवगुणों को नहीं देखा, इसलिए कहने लगे स्त्री नरक का द्वार है। वास्तविकता ये है जो बाबा बताते हैं। यहाँ क्या बाबा ने कर दिया? हाँ बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। तुम सब दुर्योधन दुशासन हो पुरुष, तो जो खुद ही दुर्योधन दुशासन है वो देवान में होंगे, स्वार्थ में होंगे,
या निस्वार्थ होंगे, स्वार्थ में है तो दुनिया भी उनको कैसी दिखाई पड़ेगी? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। भगवान बाप सदगुरु बन करके इस सृष्टि पर आता है तो स्वार्थी है या निस्वार्थी है? उसको रथ है ही नहीं, तो स्त्री क्या दिखाई पड़ती है? सर्पिणी दिखाई पड़ती है। अरे उनके संग के रंग में आकर के भगवान पतित बन जाता है क्या? है भगवान तो आके बताते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो उन सीताओं के उन पार्वतियों के संग के रंग में आकर के संसर्ग में संबंध में आकर के इंद्रियों से पतित होता है क्या? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझा क्या कह रहे हैं? आपकी बात कोई ने समझी नहीं। हाँ तीन है, है? 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 कौन है? समीक्षा सुपन खाने कहाँ कर पाई? अगर समीक्षा की होती तो समीक्षा का रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट तो नहीं आया तो समीक्षा कहाँ की? तो यहाँ सुपन खाए नहीं है, यहाँ सुपन खाए नहीं है। उनके अंदर की दिल होती है कि ये हमारे साथ विकार में गिरे, अंदर की दिल उनकी अपनी होती है, वो स्वतंत्र होकर के जैसे बहेल गैया होती हैं ऐसे जंगल में घूमती फिरती हैं। उनको राम और लक्ष्मण जैसे तपस्वी मिल जाते हैं, उनके साथ विकार भोगने की उनके अंदर की अपनी इच्छा है। कामेशु क्रोधेशु कहा जाता है, काम की आस पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध में आ जाती है, क्रोध में आ जाती है तो रावण के दरबार में जाकर के झूठी बात कहती है। क्या झूठी बात कही? उल्टी बात कह दी कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की। वास्तव में उनका तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था कि सुपनखा के साथ विकार भोगे, और उसने रावण के दरबार में यही बात साबित की।
तो समीक्षा कहाँ की? वो तो उल्टी बात साबित कर दी। ऐसी सुपनखाएं यहां ज्ञान में भी बहुत हैं, जो लड़ाई करवाई देती है। अपने अंदर की आस विकार की पूरी नहीं होती है तो झगड़े कराए देती है, दूसरी दूसरी पार्टियों में जाकर के मिल जाती है। झगड़े कराने वाली को सुपनखा कहा जाता है। हाँ, चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों में पास होने वाले 108 की लिस्ट में आवेंगे, या कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आवेंगे। चारों में पास होने वाले हों, पास ही नहीं, फर्स्ट क्लास मार्क्स पास होने वाले होने चाहिए। दूसरे भी देख करके ये समझेंगे कि ये तो माला के दाने बनने वाले हैं, अंदर से समझेंगे। माला माने ही संगठन, ये ईश्वरीय संगठन के भांति हैं। इन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की है, देह के परिवार से जुड़ करके नहीं रहने वाले हैं। बाप बाप नहीं, बेटा बेटा नहीं। बेटा अगर ज्ञान में नहीं चलता है, शादी करता है तो एक पैसा भी नहीं देते। तो बेटे को बेटा कहा गया, बेटा बेटा ही नहीं रहा। ऐसा कड़क होकर के जो पुरुषार्थ करते हैं, तो क्यों नहीं 108 के माला के दाने बनेंगे? जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा, बाप का धंधा तो ज्ञान का धंधा है, तो दुनियावी धंधों में उनकी बुद्धि लगेगी क्या? अरे डॉक्टर का बच्चा ऑटोमेटिक डॉक्टरी के सिद्धांत ज्यादा सीखता है या इंजीनियरिंग के सिद्धांत ज्यादा सीखता है? डॉक्टर के सिद्धांत ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि में आ जाते हैं, क्योंकि संघ का रंग ऐसा लगा हुआ है। तो यहां भी जो बाप के बच्चे हैं उनमें सेवा विशेष देखी जाएगी। सेवा ही साबित करेगी उनके पद को। सेवा उनके अधिकारी स्टेज को क्लियर कर देगी। सब कहेंगे कि जो हम नहीं कर सकते हैं ऐसा इन्होंने करके दिखाया। और बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेसिक नॉलेज में संकल्पों का कोई पाप नहीं बनता,
क्योंकि वहाँ मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही नहीं है। और यहाँ यहाँ मनन चिंतन मंथन की स्टेज आ जाती है, बुद्धि बालिक बन जाती है। सूक्ष्म बुद्धि वाले जो बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति में जो टिकने वाले बनते हैं, अर्थात जिनकी आत्मा की सुई की कट उतरती है, वो ही एडवांस में आते हैं। तो आत्मा की कट उतर गई, इसका मतलब बुद्धि सूक्ष्म बन गई। तो सूक्ष्म बुद्धि का काम क्या होना चाहिए? विकल्प क्या है और सुख संकल्प क्या है, उसका भेद पता होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ तो एडवांस वालों को अपनी अपनी आत्मा का वाइब्रेशन बनाना है, वायुमंडल बनाना है। हर व्यक्ति का अपना अपना वायुमंडल होता है। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे तो वायुमंडल नरक का बन गया, और गंदे संकल्प आना बंद हो गया, कंट्रोल कर लिया, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ ज्ञान युक्त संकल्प आ रहे हैं, तो स्वस्थिति कहेंगे या परिस्थिति कहेंगे? स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा बन गई। और फिर उसमें भी ये देखा जाता है लंबे समय का स्वचिंतन किसका है और लंबे समय का परिचिंतन किसका है। अगर एडवांस में आने के बावजूद भी कोई खुला छोड़ दे और लंबे समय तक परिचिंतन ही परिचिंतन करता रहे, निगेटिव संकल्प ही करता रहे, तो दंड का भागी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है बनना चाहिए। ऐसी आत्माएं अपना पोता मेल भी छुपाती हैं। जिसके कारण पाप की गति तीव्र होती रहती है। जैसे कोई कर्जदार के ऊपर ब्याज चढ़ता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे पाप का बोझा चढ़ता रहता है। तो पहले कहते थे कि संकल्प करने से कोई पाप नहीं बनता, कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल में कर्म करने से पाप कर्म बनता है, वाचा से उलट सुलट बोलने से पाप कर्म बनता है। लेकिन अभी एडवांस में ऐसा नहीं है कि संगठन में बैठ करके कोई निगेटिव संकल्प लगातार चलाता रहे और उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। वो विघ्न पैदा करने वाला है या नहीं है? विघ्न विनाशक नहीं कहेंगे। चक्र में ब्रह्मा के 50 वर्ष कम होते हैं शरीर के साथ। हाँ, 68 में शरीर छोड़ा क्या? 68 में शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के 18 तक कितने वर्ष हुए है? कितने वर्ष हुए है? 50 वर्ष हो गए।
जब वो 50 वर्ष पूरे होते हैं तो वो आत्मा राम वाली आत्मा के समकक्ष पुरुषार्थी हो जाती है या नहीं हो जाती है? है? जो बच्चा है देवी बुद्धि है आत्मा है वो बाप समान पुरुषार्थी बनती है या नहीं बनती है? है? बनती है। तो राम वाली आत्मा का साकार शरीर और कृष्ण वाली आत्मा का साकार शरीर एक ही हो जाता है। इसको कहते हैं संगम युगी कृष्ण, संपन्न स्टेज विष्णु। विष्णु कोई एक आत्मा नहीं है, दो का कॉम्बिनेशन है कम से कम, एक स्त्री का पार्टधारी और एक पुरुष का पार्टधारी। कृष्ण वाली आत्मा है माता के रूप में पार्ट बजाने वाली और राम वाली आत्मा है पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली। अर्धनारीश्वर का रूप हो गया और संपन्न रूप हो गया, इसलिए वो 50 वर्ष कम कहे गए। और रुद्रमाला और विजयमाला दो मालाएं हैं, दो प्रकार की आत्माओं का संगठन है। कौन सी माला में प्योरिटी के संस्कार टोटली ज्यादा हैं? विजयमाला। और विजयमाला में जो प्योरिटी के संस्कार हैं, जो माला चंद्रवंश से आती है, उन चंद्रवंशियों का बीज रुद्रमाला में नहीं है क्या? है? है? बीज को बाप कहा जाता है, तो रुद्रमाला में कोई एक ऐसा मणका भी है जो प्योरिटी में विजयमाला की जो हेड है उस हेड की भी बाप है, उसको कहा जाता है काशी नगरी। क्या शंकर जी को कौन सी नगरी ज्यादा प्रिय है? काशी नगरी। सारी पृथ्वी को हिरण्याक्ष पतन के गर्त में पाताल लोक में ले गया, जिस समय ले गया उस समय काशी नगरी छिटक गई। काशी नगरी पतन के गर्त में नहीं गई, इसलिए हिंदुओं में कहावत है कि जब मरे तो कहां मरे? काशी में जाके मरे। ये जीते जी मरने की बात है। वो आत्मा योग की पावर से इतनी पवित्र बनती है, जो चंद्रवंश की मुखिया है उसका भी बीज बाप का पार्ट बजाने वाली है। तीन देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों में सबसे जास्ता है, सबसे जास्ती पवित्रता की भाषणा किसमें है? है? शंकर में। तो गले में ही धरा हुआ है, है? उसका नाम है विष्णु, नो विषय काल, परम पवित्र है। और वो विष्णु जो पवित्र है
उसका भी कोई बाप है प्योरिटी में। शंकर नहीं है, कौन है? काशी नगरी। इसलिए भारत की सभ्यता में वाराणसी को आज भी विद्वानों आचार्यों की भूमि कहा जाता है। और हाँ, ब्रह्मा का कारण है 1947 से 1976 तक। उसके बाद ब्रह्मा का पाठ नहीं है, उसके बाद है राम वाली यात्रा। क्यों? क्योंकि सतर्कता हो जाती है। कैसे हो जाती बिना चंद्रमा के चक्रता हो जाती है क्या? चंद्रमा भी तो कहते हैं। अगर मस्तक पर चंद्रमा नहीं है तो शंकर है। सत्य वाली आत्मा का पार्ट अगर मिक्स नहीं हुआ उसमें तो शंकर है नहीं है। तो पार्ट खत्म थोड़े कहेंगे। ब्रह्मा की आयु कितनी ज्यादा से ज्यादा है? 100 साल। तो 76 में 100 साल नहीं पूरे होते उनके। 47 से मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा मुख से कराची से। तो 45 में 7 साल, उसमें 40 साल जोड़ दें तो 100 साल पूरे होंगे। कब हुए? 87 में जाकर के पूरे होते हैं। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो 76 में तो 100 साल की आयु भी पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा मृत्यु लोग कैसे खत्म हो गया? मृत्यु लोग खत्म होता है तो पीपल के पत्ते पर संसार सागर में सत्य की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से रहती है। उस समय 1987 में ब्रह्मा की सोल ने 1 वर्ष वाणी भी नहीं चलाई। पार्ट ही परिवर्तन हो गया। इतना धीरे से बोलेंगे तो कैसे काम करेंगे? लक्ष्मण जी के जो शक्ति मारते हैं उठा नहीं पाते हैं। लक्ष्मण का आई जाता है जो लक्ष्य को मार लेता है, लक्ष्य भेद कर लेता है। अरे अभी उसकी बात ही नहीं पूरी हुई। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पृथ्वी काहे के ऊपर टिकी हुई है? शेषनाग के कण के ऊपर टिकी हुई है।
वो आधार है। कौन? चेतनाग। वो ही चेतनाग। फिर विष्णु का रक्षक भी बन जाता है। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों का साथ दिखाया जाता है। कृष्ण हल हो गया ने और दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देवियों ने, देवताओं ने उन्होंने चालाकी के लिए और बुद्धि से होते हैं मंद। तो जो सागर मंथन किया उस सागर मंथन में जो वासुकी नाग है उसका मुख पकड़ा या पूंछ पकड़ी? मुख पकड़ा। कोई आदमी किसी को फॉलो करे तो कहेंगे पूंछ पकड़ के चलता है, और कोई फॉलो न करे और बात बात में बात को पकड़े, मुंह पकड़े, तो कहते हैं मुंह पकड़ता है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं पतित से पतित कामी कांटे में, तो असुर जो है उसका मुंह पकड़ते हैं। ऐसा क्यों बोला? उस मुरली में ऐसा बोला, इस मुरली में ऐसा बोला, बार बार मुंह पकड़ते हैं। फिर मुंह पकड़ने के बाद जो जवाब मिलता है वो बड़ा तीखा जवाब मिलता है, और तीखा जवाब मिलेगा तो जलेंगे, भुनेंगे या संस्कृत बनेंगे और ही जलना भुलना हो जाता है। तो योग्यता नहीं है उनमें इतनी, ये प्राप्ति कम होती है। वो उल्टा मंथन करते हैं और देवात्माएं सीधा मंथन करती है। मन चिंतन मंथन का भी तरीका होता है। वो मथानी नहीं थी, वो मंदराचल पर्वत मथानी नहीं है। अरे मंदराचल थोड़ी चला होगा, मंद रहा बुद्धि से। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा मंदराचल पर्वत नहीं हुआ? अब एक एक रतन बताओ तो उसको हम खिलाड़ी सही करें। हाँ बोलो। घोड़ा निकला। घोड़ा निकला। तो जो घोड़ा है वो कौन सा घोड़ा है? है मनरूपी घोड़ा। मनरूपी घोड़ा है। अहिरावत। हाथी कैसा? अहिरावत हाथी। उसको साप मिला था, वो साप से मुक्त हो गया। जब मुक्त हुआ तो उसका मुख भी काम में आ गया। काम में आया गणेश जी का मुख बन गया और वो आत्मा का उद्धार हो गया। तो गणेश की तरह जो पुरुषार्थ करने वाले हैं
वो हाथी रूपी महारथी है या नहीं है? वो ये अहिरावत है, उनमें अब्बल नंबर भी कोई होगा। जहर निकला तुम्हें, जहर क्या पता नहीं है जहर क्या होता है? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, पर पुरुष संसर्ग, पर स्त्री संसर्ग क्या है? जहर है। इसको दिखाया गया कि खंड का दिन कौन सा है? जब विनाश का टाइम आता है तो सारी दुनिया में ये जहर इतना मंडराता है कि लोग घबराने लगते हैं, क्या करें, इससे पीछा भी नहीं छूट रहा है। उसे पचाने वाला कोई पैदा नहीं होता, एक ही पैदा होता है जिस विष को पचा लेता है। जानते तो पूछने का ही माने कंठ में से जो ज्ञान निकलता है वो ब्रह्मा कुमारियों को बितैला लगता है या अमृत समान लगता है? बस इसलिए नीलकंठ भक्तों के लिए नीलकंठ है या ज्ञानियों के लिए नीलकंठ है? भक्तों के लिए। नीलकंठ जो पक्षी होता है जो दर्शन करते हैं। हाँ वो बोलता क्या 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 क्या? तो ब्रह्मा कुमारियों को शंकर की आवाज क्या 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 दिखाई सुनाई पड़ती है या अच्छी लगती है? 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 लेकिन उनको आवाज अच्छी लग रही है या खराब लग रही है? अच्छी नहीं लगती है। उसको अच्छी चीज लगेगी वो खुलेआम मैदान उसको यूज करेगा। और तीर्थों पे जाते हैं फल तोड़ के आते हैं, छोड़ के आते हैं। हाँ कोई भी फल, ज्यादा फल नहीं छोड़ के आते हैं, ज्यादा भी छोड़ के आते हैं, कम भी छोड़ के आते हैं। फल जो है वो फूल से पहले है या बाद में है? बाद में है। पहले फूल होता है, फूल के बाद फिर फल तैयार होता है। और फल भी दो तरह का है, एक कच्चा फल और दूसरा पका हुआ फल। फलों में ज्यादा मान्यता किस फल को दी जाती है? उसका नाम है आम्र। संस्कृत में आम्र माने आ और मर जा। कोई पतंगे होते हैं आते ही स्वाहा हो जाते, वो तेज फल हुए। और जो आते हैं चक्कर काटते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चक्कर काटते हैं फिर चले जाते हैं, उनको तेज नहीं कहा जाता। आते हैं और फिर गए तो कभी आए ही नहीं, तो बेकार की थर्ड क्लास फल है। तो ये परंपरा है हमारे स्थान। तीर माने किनारा, एक ठिकाने लगाने वाला जो स्थान है उसको तीर्थ कहा जाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है? अरे कोई है या नहीं है? बाबा ने तो बता दिया माउंट आबू। तो जो बड़े से बड़ा दुनिया का तीर्थ है उस तीर्थ में 16,000 फल जाकर के अर्पण करेंगे। वो परंपरा तीर्थों में आज तक भी गुरुओं ने चलाई हुई है।
कि बुद्धि को जहाँ सारी दुनिया को ठिकाना मिलता है वो है तीर्थ। तीर माने किनारा, था माने स्थान, एक किनारे लगाने वाला स्थान, सब की बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। तो यहाँ तो सबकी बुद्धि को एक ठिकाना मिल गया। जिनकी बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है, एक ठिकाना मिल गया, फिर उनकी बुद्धि बीवी बाल बच्चों में लगेगी है? बीवी बाल बच्चे उनको फल नहीं दिखाई पड़ेंगे, उन फलों को भगवान को अर्पण कर देते। ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, तो उनके द्वारा तकलीफ की पूर्ति क्यों होती है जबकि हम उनके ज्ञान सूर्य द्वारा, उनके द्वारा शूटिंग, हाँ सत्युग की शूटिंग होकर के ही रह जाती है या सत्युग स्थापन भी हो जाता है, है? अरे सत्युग स्थापन भी होता है या सत्युग की शूटिंग ही होकर के रह जाती है, है? सत्युग की शूटिंग मात्र हो जाती है, सत्युग के स्थापन नहीं होता। अगर होता भी है तो एक आत्मा है जिसकी मन बुद्धि में स्वर्ग का नक्शा स्थापन हो जाता है और वो है ज्ञान सूर्य। इसलिए उस त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य के मस्तक पर चंद्रमा को दिखाया जाता है, उस मस्तक में ज्ञान चंद्रमा मुख, चंद्रमा के मुख से जो वाणी निकली है वो वाणी उस मस्तक में भरी हुई है। इसलिए चंद्रभाल कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन नहीं करता प्रैक्टिकल में, लेकिन उस वाणी का जो निचोड़ निकलता है, सार निकलता है, व्याख्या निकलती है, उससे स्वर्ग स्थापन हो जाता है। हाँ तो कल्पना की है आपके पास पहले धीरे आकर बोला था चिंता हुआ, तो दूसरे बात वैज्ञानिक वाली बात वैज्ञानिकों की एक बातें हैं या अनेक बातें हैं, या एक वैज्ञानिकों ने दूसरे वैज्ञानिकों का काट कर दिया है, काट कर देते तो सारे झूठे हैं। सीधी बात उनको ये कह सकते हैं कि मनुष्य के ऊपर जब दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिनता है क्या, और जब सुख होता है तो कोई भी दिन नहीं गिनता। इससे साबित होता है कि दुनिया में जो हिस्ट्री बनी है वो मनुष्यों की जिंदगी में सबसे हिस्ट्री बनी है, जब से ये अनेक प्रकार के मानवीय धर्म चले मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्मों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, इस्लाम धर्म। तो साबित हो जाता है कि जब से मनुष्यों के चलाए हुए धर्म चले हैं तब से दुनिया नरक बनना शुरू हुई, दुख की दुनिया शुरू हुई, और दुख की दुनिया की 2000 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, सुख की दुनिया की हिस्ट्री मौजूद ही नहीं है।
और ये निश्चित है कि आधा टाइम दिन होता है और आधा टाइम रात होती है। रात में आदमी ठोकरे खाता है, ठिकाना नहीं मिलता, भटकता रहता है। तो जब से मनुष्य गुरुओं की दुनिया आई, मानवीय धर्म स्थापन हुए, तब से अंधेरी रात चल रही है। ज्ञान की अंधेरी रात कोई को ठिकाना नहीं मिलता। ये 2500 वर्ष की रात है तो 2500 वर्ष का दिन भी हो, तो टोटल कितना हुआ? 5000 वर्ष की दिन है। और साकार का ही नाम रूप होता है। बिना नाम रूप के भगवान होता है क्या? नाम किस आधार पर पड़ता है? तो भगवान ने कोई काम किए होंगे कि नहीं है? या बिंदी ने किए? बिंदी खुदक खुदक के काम छोड़े ही करती है। साकार के द्वारा ही कार्य होते हैं। ये साकार और निराकार दोनों का योग बाबा कहा जाता है। राम से राम का नाम बड़ा है। ये भक्ति मार्ग में कहते ज्ञान मार्ग में क्यों कहते? अरे ज्ञान मार्ग में तो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ज्ञानी जन जो है वो कर्म को बड़ा मानते हैं या नाम रटने को बड़ा मानते हैं? कर्म को बड़ा मानते हैं। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कुंती ने मांगे थे अब टीवी दोबारा देख लेना। चलो ठीक है, सुधारा। हाँ फिर आगे उसको वरदान मिला हुआ था। जब तक योग का कवच है और जब तक ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ज्ञान का आभूषण है ना, वो जब तक अंदर भरा हुआ है कानों में, तब तक उसको कोई जीत नहीं सकता, मार नहीं सकता। जो स्त्री जाती है वो प्रभावित होती है पुरुषों से या पुरुष प्रभावित होते हैं स्त्री से? विकारों के मामले में अबला को क्यों कही जाती है स्त्री? अरे स्त्री को अबला क्यों कहा जाता है कलयुग में? क्योंकि पुरुष जब आक्रमण करता है तो स्त्री निर्बल हो जाती है,
प्रभावित तो हो जाती है, प्रजा बन जाती है। अभी जुआ नहीं खेल रहे, ना धन धाम स्वर्ग परिवार की बाजी नहीं लगा रहे। जो 108 की लिस्ट में आने वाले माला के मणके बनेंगे वो अपने तन की बाजी नहीं लगाएंगे ईश्वरी सेवन। अपना जो भी धन जिंदगी भर का कमाया, बाप दादे की कमाई होगी, वो सब ईश्वरी सेवा में नहीं लगाते हैं। जो भी आत्माएं जिंदगी में संसर्ग संपर्क में आई है, संबंध में आई है, उन सब आत्माओं की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में नहीं झोंकते। ये जुआ खेलना नहीं है। झोंकने के बाद रिजल्ट अच्छा मिलेगा खराब मिलेगा पता है? है पता तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि जो जितनी बाजी लगाएंगे उनको रिटर्न में प्राप्ति जरूर होगी। हाँ जी, चलो बाबा टाइम हो गया।